गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ 1.1 जीवन नहीं मरा करता। इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। इसका पहले का जो पद्यांश है वो पिछले वाले वीडियो में भेज चुके हैं, हम आगे का पढ़ेंगे। आज का पद्यांश है, इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक पाठ 1.1 से लिया गया है, जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता और इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। इसका प्रसंग इस प्रकार है, यहाँ पर कवि ने बताया है कि फूल भले तोड़ लो लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती। उसी प्रकार बुराइयां चाहे कितनी भी लंबी हो, अच्छाई के आगे झुकी जाती है। इसका वर्णन किया है, अर्थ है, लूट लिया माली ने वन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि एक माली है जो बगीचे से फूल को तोड़ लिया, पौधे से फूल को तोड़ लिया, पर फूलों की सुगंध को उससे अलग नहीं कर पाया और फूल अपना सुगंध फैलाता ही जा रहा है। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। कवि कहते हैं कि आंधी आए, तूफान आए या धूल मिट्टी के डर से हम हमेशा के लिए अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद नहीं कर सकते। नफरत जगह लगाने वालों, सब पर धूल मारने वालों। कवि कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नफरत करते हैं, चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग दूसरों की अच्छाई के सामने या अच्छाई के सामने अधिक देर नहीं टिक पाते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुछ क्रूरता के कारण दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार जो नफरत करते हैं वो लोग अच्छाई के सामने झुक जाते हैं। ये आपका पद्यांश पूर्ण हुआ। आपका पाठ 1.1 जीवन नहीं मरा करता ये पूर्ण हो गया है। इसका नोट्स आप बनाइए और कुछ प्रश्न पूछना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं।